वो जो सुबह सुबह ट्रक आया है वो कैसे फंस गया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है इस चीज़ के लिए कि हाँ इतना दिन तक कहाँ थे, किधर थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं व्लॉग करना चाहता था लेकिन ऑफिस में इतना ज़्यादा बिजी थे ना आप लोग को, मैं बस समय नहीं दे पाया। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे व्लॉग आएगा, टाइम से आएगा। ठीक है, उसके लिए भी मैंने एक चीज़ सोचा है आप लोगों के लिए कि मैं व्लॉग दूंगा, वीक में 2 से 3 व्लॉग देता हूँ। थोड़ा सा अच्छा व्लॉग रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों को व्लॉग वीक में 2 दिन चाहिए तो पर उसके लिए ज़रूर कमेंट करके बताइए आप लोग कि हाँ नहीं कि हमें दो दो ही व्लॉग चाहिए, लेकिन क्वालिटी व्लॉग चाहिए। देख जहाँ कहीं घूमने जा रहे हैं आप उसको दिखाइए और कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें दिखाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इस चीज़ का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ही बताएं मुझे कि मैं बहुत सुबह ही जग गया था, लगभग सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं जग गया हूँ कि हाँ मुझे व्लॉग करना है, लोगों आप लोगों से बात करना है। मैं खुद भी बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को कि हाँ नहीं यार बात करनी चाहिए आप लोगों से। 2-3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं अभी तक मैंने व्लॉग नहीं डाला है। आप लोगों से बात करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि क्या कारण है। तो अब से आप लोग मतलब मैं ध्यान रखूँगा, अब से मैं ध्यान रखूँगा कि भाई मैं व्लॉग डालूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी व्लॉग आए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं वीक में 2 से 3 ही व्लॉग डालूँगा। अगर आप लोग इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं मुझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वो जो सुबह सुबह ट्रक आया है वो कैसे फंस गया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नींद में चला रहा था और साइड में खड्डा है, खड्डे के वजह से वो पूरा एक साइड से दब गया है। रेडी हो गया हूँ मैं और ऑफिस फटाफट जाना है, और भी बहुत सारा काम है आज निपटाना है। चावल ख़त्म हो गया है, चावल भी लेना है और ऑफिस जाके ही बात करेंगे। बैठे थे और कोई काम तो था नहीं, तो बस अब बच गया लगभग 12:10 हो गए हैं। 12:10 में भी मैं ध्यान दे रहा हूँ कि यहाँ कुछ बचा नहीं हम लोग करने के लिए। लोकेंद्र जी इसी तरह बैठे हैं, मैं भी इसी तरह बैठा हूँ, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसी तरह बैठे हैं, सब बैठे हैं इसी तरह से। गाइस आप ही बताओ क्या करें। मैं बैठे बैठे इनका टेबल जो है घसका दिया पूरा आगे की तरफ से और रूम पे, और लंच भी हो गया है, लंच पूरा हो चुका है और हम लोग अभी बस वापस से ऑफिस जाने वाले हैं। और हम चावल नहीं लाए हैं, चावल वापस जाके लेना है। अभी दिक्कत ये हो गया कि मुकेश जी बोलते हैं गाड़ी थी नहीं तो जाते कहाँ से, और मुकेश जी भी थोड़ा सा वो हो गया कि नहीं यार बाद में ले लेंगे, अभी तो है लंच के लिए बचा ही था चावल तो रह गया, नहीं लिए। अभी उसके बाद अभी जाएंगे लेंगे, तब तक के लिए ऑफिस में जाके ही मिलते हैं आप लोगों से। मैंने अपने कैमरे में जो फिल्टर लगाया है और इतना ख़तरनाक फिल्टर लग गया है कि इतना ज़्यादा मेरे को गोरा कर दिया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा गोरा कभी था ही नहीं मैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चावल लेने के लिए, शाम के हो गए लगभग 5:30 में, 5 बजे के क्या 5:25 तक लाइव आया था। उसके बाद अभी आप लोगों से बात करने के लिए मैं फिर से ब्लॉग में आ गया हूँ। टाइम आप लोगों को देना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं, आप लोग भी मेरे को टाइम दो। गाइस यार ढेंगानाल के जितने भी पुलिस रहते हैं इन लोगों को रूम यहाँ पे मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे एक शादी जा रही है, शादी मतलब कि पार्टी वार्टी चल रही है, आज फ्राइडे ना, तो यहाँ पे फ्राइडे में क्या होता है कि रिसेप्शन शादी बुधवार को शुक्रवार को और संडे को 3 दिन रहती है। तो अभी चल रहा था तो मेरा मन भी ललचा गया कुछ खाने के लिए, लेकिन हम लोग को कोई बुलाएगा तो है नहीं। ये रहा मेरे रूम का, पहले पुराना रूम था ना यहाँ पे पास में, जिस पेट्रोल पंप के बगल में ही था हमारा पहले पुराना रूम था, यहाँ पे रहते थे हम बहुत लोग साथ में रहते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता था हम लोग को साथ में रहने में। यहाँ पे शाम में इतनी ज़्यादा चहल पहल रहती है कि मतलब अच्छा लगता है, पूरा भरा भरा मार्केट शाम में ही लगता है, 4 बजे के बाद ही मार्केट पूरा भरा रहता है। अभी चावल ले रहे हैं तो मैं सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात ही कर लेता हूँ। मैक्सिमम हम लोग चावल ही खाते हैं, उसका इशू एक ही रहता है कि हम लोग को ज़्यादा रोटी बनाने का इच्छा नहीं होता है, जैसे भी ऑफिस जाना होता है ना
इस चक्कर में लोग चावल ही खा लेते हैं। अच्छी बात ये रहती है कि फटाफट बन जाता है, तो हम लोग को चावल खा के ही फायदा हो जाता है। और वीक में एक या दो दिन बस हम लोग रोटी खाते हैं। यहाँ पे क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। इतना सा सारा कट्टा बस चावल का ही रखा पड़ा है, लहसुन रखा है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा प्याज भी है। प्याज थोड़ा सा वो छोटा वाला ख़राब हो गया है तो इसको अलग करके रख दिए हैं। अदरक तो है अपने पास वैसे, लेकिन देखिए प्याज का भी पूरा कट्टा पड़ा है यहाँ पे। तो मैक्सिमम हम लोग का सब्जी का मार्केट यहीं से हो जा रहा है अभी। प्याज कितना ले रहे हैं? 2 किलो। चलिए भैया, और मुझे लगता है कि जब से हम लोग आए यहाँ पे शॉपिंग करने ना, तब से ये लगा है QR कोड, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमेशा बैंक जाना पड़ता था, तो तब से यहाँ पे लगना शुरू हो गया। भैया भी सोचे चलो यार ठीक है। भैया हम चावल लेके आ गए हैं अभी, और चावल के साथ देखिए ये 5 किलो चावल है, और मुकेश जी इसमें भी ऐड कर दिया वो है प्याज, तो प्याज भी आ गया। हमारा प्याज ख़त्म हो गया था तो हम सोचे ले लेते हैं, क्योंकि शाम में कभी कभी ऐसा होता मन करता है खाने का, तो कभी कभी प्याज के चक्कर में हमारा रह जाता, नहीं बना पाते। लेके आ चुके हम लोग और बच चुका है 6, और हमारा अटेंडेंस लगाने का भी समय आ गया। और मैक्सिमम टाइम में ब्लॉग का एंड करता हूँ इसी चेयर पर बैठ के, हमेशा ही एंड करता हूँ, मेरा मैक्सिमम रहता है ब्लॉग में यही एंडिंग करता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा अच्छा स्पॉट इसलिए बन गया कि मैं यहाँ पे बैठ के एडिट भी कर लेता हूँ आराम से, और यहीं पे एंड कर लिया। यहाँ तक आप आ ही गए हैं, थोड़ा सा भी एंजॉय किया है ब्लॉग को, तो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली में शेयर करिए। फिर से मैं अपना ये दाढ़ी देखने लग गया, कितना गंदा सा लग रहा है, तो ठीक है मैं कल इसको पक्का सही करवा दूँगा, और दाढ़ी भी और बाल भी सही करवा दूँगा, जो मुझे लगता है करवा देना चाहिए। और पीछे से बार बार ब्राइटनेस आ जा रहा है तो मेरा फेस भी नहीं दिख रहा आप लोग को, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे घुमा लेना चाहिए, अब शायद अच्छा दिख रहा होगा। हाँ।